हेलो साथियों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। वो कहते हैं कि एक दिन बरसात हुई और कानों में यूं कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, चाहे सूरज की ही क्यों ना हो। अर्थात आप कभी भी किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट आपका चलता है, यानी कि कॉन्फिडेंट बोलता भी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको खाई की ओर लेके जाता है। इसीलिए आप कॉन्फिडेंट रहिए किसी भी बात को लेके, किसी भी काम को लेके, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट लोग अक्सर गलती करते नज़र आते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ उम्मीद कर रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आप देखिए हमारी सीरीज चल रही है उसको आप प्रॉपर वे में देख रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है उसको हम देख लेते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बाबर जो भारत पर मुगल साम्राज्य था उसका संस्थापक था, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक था ये बाबर, लेकिन भारत में आया तो 5 युद्ध लड़ा। और 5 युद्ध कौन कौन से लड़े, उनको याद करने की ट्रिक क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम बाबर से लड़े गए युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, और युद्धों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखिए बाबर यहाँ पे देख लेते हैं। बाबर भारत में कुल 5 युद्धों को लड़ा। भारत में कितने युद्धों को लड़ा बाबर? भारत में कुल 5 युद्ध लड़ा। कितने युद्ध लड़ा? 5 युद्ध। और इसमें जो प्रथम उसका युद्ध था वह यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध था। प्रथम जो युद्ध था किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध था। और यह कब लड़ा गया? 1519 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1519 ईस्वी में। यदि आपको पता है कि बाबर के पिता का नाम और बाबर के माता का नाम क्या था तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर पिन कर सकते हैं। और बाबर द्वारा जो लड़ा गया पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, उस युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया गया था, किस युद्ध जो नीति है उसका प्रयोग किया गया था, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर पिन कर सकते हैं। आप देखिए ट्रिक क्या है याद करने की, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को याद करने की ट्रिक है, यहाँ पे लिखा गया है 26। कैसे याद करेंगे? देखिए 26, 27, 28, 29 और 30। कैसे याद करेंगे इसको? 26, 27, 28, 29, 30। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। 26 में पानी पिया। कैसे याद करेंगे? 26 में पानी पिया फर्स्ट लाइन, 26 में पानी पिया सेकंड लाइन, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 28 में क्या कर दिया? चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में क्या हो गया? मर गया। तो इसी ट्रिक के द्वारा आप चाहेंगे तो बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्धों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं। 26 में पानी पिया, पानी का मतलब बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया जो दूसरा युद्ध था वह कौन सा युद्ध था, और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, क्योंकि उससे दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश था उसका अंत हुआ। तो लोधी वंश का अंत जिस युद्ध में हुआ उस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। अर्थात ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में होने वाला जो युद्ध था वह पानीपत का युद्ध हुआ। और यह युद्ध 21 अप्रैल को हुआ। किसके किसके विरुद्ध? बाबर और इब्राहिम लोधी के विरुद्ध हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब देखिए 27 में खाना खाया। खाना खाने का मतलब क्या कि 27 में जो युद्ध हुआ वह खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर जो था वो विजयी रहा और पराजित कौन हुआ? राणा संगा पराजित हुआ। अब देखिए 28 में चल दिया। 28 में जो युद्ध हुआ था, 1528 में जो युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी के युद्ध जो हुआ था वह बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अब देखिए 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1529 में जो युद्ध हुआ था वह घाघरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? 1529 में जो युद्ध हुआ था वह घाघरा का युद्ध हुआ था। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। और 30 में मर गया। 30 में क्या हो गया? मर गया। अर्थात बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। और कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी? इसकी मृत्यु आगरा में हुई। और इसका मकबरा कहाँ बनवाया गया? आगरे में ही आराम बाग में इसको दफनाया गया। लेकिन बाद में इसकी समाधि कहाँ बनवाई गई? काबुल में बनवाई गई। अब देखिए एक बार और स्ट्रिक को दर्शा लेते हैं। देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया।
26 में पानी पिया, यानी 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया, 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया अर्थात 1528 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में मर गया यानी कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये वीडियो जो ट्रिकी हमारी सेशन चल रही है क्वेश्चन ऑफ द डे की, उसको आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे, और ये भी जो वीडियो है ये अच्छे से आप लोगों के समझ में आई होगी। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार लगभग देखिए, अन्यथा आप इस ट्रिक को नोट करिए, नोट करके और चाहेंगे तो इसको हमेशा दोहराते रहेंगे, तो आसानी से ट्रिक आपको याद रहेगी और प्रत्येक परीक्षाओं में आपको एक एक नंबर दिलवा के छोड़ेगी। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियो से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, तथा अन्य जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, चाहे जो भी ग्रुप हो उसमें आप वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।